नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में ग्रामीण सड़क मेंटेनेंस योजना, 7 वर्षों तक ग्रामीण सड़कों की देखभाल, ग्रामीण सड़कों के लिए 20,000 करोड़ खर्च। कृषि विभाग की अपील, अवशेष ना जलाएं। फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, अवशेष जलाने से मानव को भी नुकसान। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 का रिजल्ट जारी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 38,900 अभ्यर्थी पास, अब 84,581 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार में 20% शिक्षक प्रमाण पत्र के फोल्डर गायब। निगरानी विभाग ने 1,563 मामले दर्ज किए, 354 बाहरी संस्थानों के प्रमाण पत्रों की जांच। एनसीईआरटीसी ने शुरू की फिल्म प्रतियोगिता, शॉर्ट फिल्म बनाकर जीते 1.5 लाख। नमो भारत प्रतियोगिता में कोई भी ले सकता है भाग। रेलवे में तत्काल टिकट नियम में बदलाव, एक आईडी से महीने में 6 टिकट बुक किए जा सकते हैं, जबकि आधार सत्यापित आईडी से 12 टिकट। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 14 दिसंबर 2024 तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ITBP की वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SI पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता साइंस में बैचलर डिग्री है, जबकि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों के लिए 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा भी अलग है। भर्ती में कुल 526 पदों के लिए नियुक्तियाँ की जाएंगी, जिसमें मेल और फीमेल उम्मीदवारों के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। बिहार के 5,413 राजस्व गांवों में चकबंदी का काम पूरा हो चुका है, जबकि 5 जिलों के 39 अंचलों में अभी कार्य चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चकबंदी कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और गोपालगंज में चकबंदी कार्य जारी है। चकबंदी के सभी अभिलेख और मानचित्र अब भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध हैं। बैठक में कार्य जल्द पूरा करने और अभिलेखों की स्कैनिंग तथा अपलोडिंग के निर्देश दिए गए। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। जब बात आती है सच्चाई की, सत्ता की जवाबदेही की और समाज में जागरूकता की, तो प्रेस हमेशा अग्रणी रहा है। यही कारण है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बता दें कि वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का प्रचलन शुरू हुआ था और ये तब से मनाया जा रहा है। प्रेस की जिम्मेदारी केवल खबरें प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है, यह गलत सूचनाओं से बचने और सच्चाई को सामने लाने का कार्य करता है। बिहार में निगरानी विभाग ने बताया कि 70,585 से अधिक नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में से 20% के फोल्डर गायब हैं। अब तक 2,768 अभियुक्तों के खिलाफ 1,563 मामले दर्ज किए गए हैं। 2006 से 3,52,927 मामलों की जांच चल रही है। इसके अलावा निगरानी विभाग ने 2024 में 13 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के मामले शामिल हैं। गृह सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र में बिहार के बाहर के 354 संस्थाओं के प्रमाण पत्र पर नौकरी की जा रही है। उन शैक्षिक संस्थाओं के प्रमाण पत्रों की जांच, वहां से कार्रवाई की जा रही है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे केसरिया स्तूप की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ASI ने 1998 में इस स्तूप की खुदाई की थी, जो अब 104 फीट ऊंचा है। यह स्तूप जावा के बोरोबुदुर से 1 फीट ऊंचा है। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार पहले यह 150 फीट ऊंचा था। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा यहीं पर की थी। हाल की खुदाई में कई बौद्ध मूर्तियों और संरचनाओं की खोज हुई है। इसे वैशाली के लिच्छवी ने बनवाया था और यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। फसल के अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता है, इससे मित्र
कीट नष्ट हो जाते हैं तथा खेतों की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। इसको लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स के माध्यम से एक अपील की है। कृषि विभाग ने फसल के अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान का भी जिक्र किया है। कृषि विभाग ने बताया कि 1 टन पुआल जलाने से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन, नाक में तकलीफ होना और गले की समस्या होती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब नए नियमों के बदलाव के बाद अब कुछ श्रेणियों में तत्काल टिकट के शुल्क में वृद्धि की गई है। बुकिंग का समय पहले से निर्धारित है। एक उपयोगकर्ता आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट ही बुक किए जा सकते हैं, जबकि आधार सत्यापित उपयोगकर्ता 12 टिकट तक बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टिकट बुकिंग प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें तत्काल टिकट में पैसेंजर विवरण भरने के लिए 25 सेकंड का समय, कैप्चा भरने के लिए 5 सेकंड का समय, भुगतान के लिए 10 सेकंड का समय सीमा निर्धारित किया गया है, जिसमें ओटीपी भी आवश्यक है। निर्धारित बिहार देश का पहला राज्य है जो 7 वर्षों तक ग्रामीण सड़कों का मेंटेनेंस करने वाली योजना शुरू कर रहा है। इस योजना में 120,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही 600 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। ठेकेदार को 7 साल के लिए सड़कों का मेंटेनेंस जिम्मेदारी दी जाएगी और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए लिया। यह योजना देशभर में अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा सकती है। पटना में 1 दिसंबर को नशा मुक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मैराथन आयोजित किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने मैराथन की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और नगर आयुक्त भी मौजूद थे। यह मैराथन 4 श्रेणियों में होगी। फुल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। चारों श्रेणियों में दौड़ की शुरुआत का समय क्रमशः सुबह 5 बजे से 5:30 बजे, 6:30 बजे तथा 7:30 बजे है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धावक सहित 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 23 नवंबर तक प्रतिभागी ऑनलाइन आवेदन www.biharmarathon.com पर कर सकते हैं। राशन कार्डधारियों के लिए EKYC के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं, उनके लिए EKYC करने की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है। वर्तमान में जहां वो रह रहे हैं, वो अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान या जन वितरण प्रणाली की दुकान पर EKYC कराने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही EKYC के संबंध में किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए विभागीय टोल फ्री संख्या 1800345619 अथवा 1967 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का परिणाम जारी कर दिया है। जुलाई में आयोजित तीसरे फेज की परीक्षा में कुल 38,900 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इसमें क्लास 1 से 5 के लिए 21,911 और क्लास 6 से 8 के लिए 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। क्लास 6 से 8 के 6 विषयों में परीक्षा हुई, जबकि क्लास 1 से 5 के 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। 50% आरक्षण रोस्टर के अनुसार अब 84,581 पदों पर नियुक्ति होगी। पहले 87,774 पदों पर नियुक्ति तय थी, अब 3,193 पद कम हो गए हैं। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ने नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को एक शॉर्ट फिल्म या रील बनानी होगी, जिसमें नई नमो भारत ट्रेन और RRTS स्टेशन का वीडियो शूट करना होगा। वीडियो को MP4 या MOV फॉर्मेट में 1080p रेजोल्यूशन में PR@NCRTC.in पर एक
शामिल करना होगा, जिसको एप्लीकेशन फॉर नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट के साथ भेजना होगा, सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले को 1.5 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर 1 लाख रुपये और तीसरे स्थान पर 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2024 है आवेदन करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें 80,000 करोड़ रुपये का आदिवासी बाहुल्य गाँव में खर्च किया जाएगा। इस अवसर पर बिरसा मुंडा भगवान की स्मृति में 5 रुपये का विशेष डाक टिकट और 150 रुपये के सिक्के का विमोचन भी किया गया। इस दौरान 11,000 जनजातीय परिवारों को पीएम जनवन योजना के तहत बनाए गए आवासों की सौगात दी गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बहुत पवित्र दिन है, कि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली है, इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। वेब सीरीज ये काली काली आंखें का दूसरा सीजन 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। सीजन 2 का ट्रेलर 2 मिनट का है, जो पहले सीजन से ज्यादा डार्क और खतरनाक है। ट्रेलर में ताहिर राज भसीन, आंचल सिंह, गुरमीत चौधरी, श्वेता त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला और अरुणोदय सिंह की झलक दिखती है। कहानी प्रेमी के जुनून और बदले की घटनाओं पर आधारित है, जहां फिरौती की रकम 100 करोड़ तक पहुंच गई है। सीजन 2 में धोखा, जुनून और सस्पेंस का खेल बढ़ेगा और यह सीरीज एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। बिहार के बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में 2025 के जनवरी में 20 नए कोर्स की शुरुआत होगी, जिनमें 12 एड ऑन कोर्स शामिल हैं। इन कोर्स के सिलेबस तैयार हो चुके हैं और एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी के बाद शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय में कई वोकेशनल और सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रस्तावित हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम सेल भी जल्द खोला जाएगा, जिससे नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को AI, मशीन लर्निंग और BSc एग्रीकल्चर जैसे कोर्स का लाभ मिलेगा। एड ऑन विषयों में वैदिक गणित और उत्तर बिहार के इतिहास पर भी कोर्स होंगे। सर्दियों में गीजर की डिमांड बढ़ने के साथ सही गीजर खरीदने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले गीजर की स्टार रेटिंग चेक करें, क्योंकि ज़्यादा स्टार वाले गीजर कम बिजली खपत करते हैं और बिल पर असर नहीं डालते। परिवार के सदस्य की संख्या के हिसाब से गीजर का साइज चुनें। बड़े परिवार के लिए बड़ा गीजर उपयुक्त रहेगा। ब्रांड के बारे में जानकारी लें, कस्टमर रिव्यू पढ़ें और गारंटी एवं सर्विस सुविधाओं का भी ध्यान रखें। इस तरह से आप एक किफ़ायती और इफ़ेक्टिव गीज़र खरीद सकते हैं। बिहार में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और अन्य जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना में न्यूनतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। सुबह के समय धुंध और कोहरे का असर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 17 नवम्बर तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में मध्यम से घना स्तर का कुहासा छाए रहने की आशंका है। इस बदलाव के कारण सर्दी, बुखार और के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आप सभी को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। बिहार के पूर्णिया में MTS हवलदार भर्ती परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने 14 नवंबर को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्रभावित परीक्षार्थियों का 19 नवंबर को री एग्जाम होगा और उनके नए एडमिट कार्ड ईमेल पर भेज दिए गए हैं। वे www.sscr.org पर जाकर नए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मामले में अंतरजिला गिरोह के 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SP कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इनमें 7 कर्मचारी और 12 फर्जी परीक्षार्थी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान 4,50,000 कैश, लैपटॉप, मोबाइल, ATM कार्ड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जांच में SSC की उड़न दस्ता टीम की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। गन्ना किसानों के लिए यंत्रीकरण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें गन्ना कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण
नंदन पासवान ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। किसान 31 मार्च 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और उन्हें खेत की तैयारी से लेकर गन्ने की कटाई तक के आधुनिक यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। इस योजना से किसानों की श्रम लागत कम होगी और उनकी आय बढ़ेगी। किसान समूह, कृषि यंत्र बैंक और चीनी मिलें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पार्टी लोजपा के विभाजन के लगभग 3.5 साल बाद चिराग पासवान ने पटना स्थित पार्टी के पुराने कार्यालय में वापसी की है। इस मौके पर चिराग भावुक हो गए और अपने रिश्तेदार राजेंद्र पासवान को गले लगाकर रोने लगे। उन्होंने कार्यालय परिसर में तुलसी का पौधा लगाया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। चिराग ने कहा कि इस कार्यालय से उनके पिता और चाचा की यादें जुड़ी हैं। इससे पहले लोजपा टूटने के बाद रामविलास लोजपा ने इस कार्यालय पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को सौंपा गया है। कांग्रेस नेता और कटिहार सांसद तारिक अनवर ने सीएम नीतीश द्वारा पीएम के पैर छूने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज पैर छू रहे हैं, कल गर्दन पकड़ सकते हैं। यह बयान नीतीश कुमार के फैसले बदलने की आदत को लेकर दिया गया। अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार की कार्यशैली ऐसी है कि वह किसी भी स्थिति में पलट सकते हैं और यह आदत ही उन्हें भरोसा के लायक नहीं बनाती। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी संभव है और उनका विश्वास किसी पार्टी पर नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचे और जमुई में जनजातीय गौरव सम्मान सम्मेलन में शिरकत की। इसके बाद पीएम मोदी के बिहार से जाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। इससे पहले आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अब वे बीजेपी के साथ ही रहेंगे और भविष्य में किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहेंगे। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार के लिए कई काम किए हैं। नीतीश का यह बयान बिहार की सियासी हलचल को तेज कर रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार मिल रही धमकियों के बाद एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बुधवार को सांसद को कुरियर से एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताते हुए सांसद की जान लेने और अर्जुन भवन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। एसपी ने सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और मामले की जाँच शुरू करने की जानकारी दी। जाँच में यह भी सामने आया कि धमकी देने वाले ने सुपौल के कुंदन कुमार का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सांसद ने सुरक्षा बढ़ाने और गहराई से जाँच की मांग की है। भारत की साउथ अफ्रीका पर विशाल जीत, सीरीज पर 3-1 से किया कब्जा, सैमसन और वर्मा के शतकीय पारे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय किया और पहले खेलते हुए भारत ने 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 283 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 284 रन बनाने थे, लेकिन टीम 18 ओवर 2 गेंद में 148 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत को 135 रन से जीत मिली। आखिरी मैच में जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की T20 सीरीज को 3-1 के अंतर से जीत लिया है। बता दें कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार T20 सीरीज में जीत दर्ज की। वहीं संजू सैमसन ने इस मैच में नाबाद 109 रन, जबकि तिलक वर्मा ने नाबाद 120 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से सबसे अधिक 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिया। वहीं हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई और रमनदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1995 में भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 1907 में आज ही के दिन शंभू महाराज कत्थक के प्रसिद्ध प्राप्त गुरु तथा नर्तक का जन्म हुआ था। 1846 में अकबर इलाहाबादी का जन्म हुआ था। 1915 में करतार सिंह प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह, नवजात शिशु दिवस सप्ताह और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का पहला सवाल है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किन के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी आर दिवाकर, ऑप्शन डी जयराम दास दौलतराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। आज का दूसरा सवाल है, बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए श्री नागार्जुन, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी रॉबिन शॉ पुष्प, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आज का तीसरा सवाल है, नालंदा जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गिरियक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आज का चौथा सवाल है, राजस्थान में दासरा फिलेंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया? ऑप्शन ए जलवायु संरेखित कृषि प्रथाएं, ऑप्शन बी औद्योगिक कृषि, ऑप्शन सी व्यवसायिक कृषि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलवायु संरेखित कृषि प्रथाएं। आज का आखिरी और पांचवा सवाल है, टोंगा ट्रेंच में हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम क्या है? ऑप्शन ए जायंट सिफोनोफोर, ऑप्शन बी जायंट लार्वेशियन, ऑप्शन सी बिग फिन स्क्विड, ऑप्शन डी स्पाइडर क्रैब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिग फिन स्क्विड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नंद कुमार सिंह, धर्मेंद्र चौहान, रविंद्र कुमार मेहता, रोशन यादव, छोटू राजा, मोतीलाल कुमार, सुशील शर्मा, योगेंद्र राम, सुकांत शंकर, गौरी भारती और बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।